दोनों ग्रुप देने का ये भी फायदा है, पहला फायदा है रैंक लाने का और दूसरा फायदा होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का प्रोविजन क्या बोलता है मैम, लेट अस सपोज कि आपका ग्रुप वन में जो है आपको पता है इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स चाहिए बट एग्रीगेट में 50%, तो ग्रुप वन में इंडिविजुअल पेपर में आप सब में पास हो गए 40 40 40, बट आपका एग्रीगेट मान लीजिए एग्रीगेट में यू आर गेटिंग से 140, बट एग्रीगेट कितना आना चाहिए 50%, 150 आना चाहिए, बट ग्रुप टू में क्या हुआ आपका 160 आ गया, तो वो 10 मार्क्स ग्रुप टू का सेट ऑफ हो जाएगा ग्रुप वन से, और ओवरऑल आप ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों में पास हो जाओगे। तो ये सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है बच्चों को। तो दोनों ग्रुप देने का देखो दो फायदा है, एक तो रैंक के लिए टारगेट करना है हमें और दूसरा सेट ऑफ के लिए। और मैं सच बता रही हूँ, न्यू सिलेबस और ज़्यादा कंपैरेटिवली ओल्ड सिलेबस से ईजी कर दिया गया है, कॉन्टेंट कम कर दिया गया है, तो अगर आप शिद्दत से पढ़ोगे 9 महीने में यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर, सिंगल डिजिट में आप रैंक ला सकते हो। बस इसके लिए हमें क्या चाहिए, पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, सिंसेरिटी, डिसिप्लिन,